शहनाज गिल और रश्मि देसाई के बीच में कई बार लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन अगले दिन इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन एक शाम पहले हुए लड़ाई झगड़े के बाद रश्मि देसाई ने तो शहनाज गिल से बात करना ही बंद कर दिया है, और ये बात शहनाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और जब उन्होंने रश्मि से बात करना चाहा तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ये बात उस वक्त की है जब बाहर गार्डन एरिया में बैठे ये दोनों बातें कर रही होती हैं। शहनाज उनसे बात करने की ट्राई करती है और रश्मि से पूछती है कि तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही है। इस पर रश्मि ने कहा कि कल रात को जो भी हमारा झगड़ा हुआ उसमें जो कुछ भी तूने मुझे कहा दैट वॉज वेरी हर्टिंग, और मैं उसके बाद तुझसे बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तू क्या सोचती है तू सब कुछ कह देगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो अपनी दुनिया में रह। इस पर शहनाज ने कहा कि लड़ाई झगड़े में तो ये सब चीजें होती ही हैं, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पीठ पीछे तुम लोग जो कुछ भी कहते हो उसका क्या। इस पर रश्मि ने कहा कि तू भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इस पर शहनाज ने कहा तेरी मर्जी, तुझे बात करनी है तो कर, तुझे ना फिलहाल इस छोटी सी बात का मुद्दा बनाना है, वरना यहाँ पर बात कुछ इतनी बड़ी है नहीं, तुझे जो करना है सो कर। और ये सब कह के शहनाज वहाँ से चली जाती है, और रश्मि कहती हुई नजर आती है कि क्या मतलब है ये। और इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं और कहती है कि यहाँ पर हर कोई ऐसा हो गया है कि कोई भी आता है मेरे पास और कुछ भी कह के चला जाता है। ये सब चीजें मैं अपने कैरेक्टर पे नहीं लूंगी, मुझ पे ऐसी चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।